नमस्कार, मैं हूं शिवम। मेरे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के मामले में 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद, चहेते सांसद ब्रजभूषण सिंह को जमानत मिल गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह को किस मामले में जमानत मिली, कैसे जमानत मिली और क्या वो जेल जाएंगे और अगर जाएंगे तो कितनी सजा होगी, इस पर हम बात करेंगे। और हम बात ये भी करेंगे कि किस तरह से गुजरात में राहुल गांधी को फंसाया गया और ब्रजभूषण शरण सिंह सीना ठोक के कानून को अपने जूते की नोक पर रखे हुए हैं। आप जानते हैं कि जब ब्रजभूषण सिंह का मामला शुरू हुआ, उसी वक्त राहुल गांधी का मामला शुरू हुआ। बीजेपी के चहेते हैं ब्रजभूषण सिंह और वो कानून को कुछ समझते नहीं। गनीमत है सुप्रीम कोर्ट की कि उसके कहने पर एफआईआर दर्ज हुई। उनके सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी एफआईआर दर्ज हुई, यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। अब कानून अपना काम कर रहा है दोनों ही मामलों में, राहुल गांधी और शरण के मामले में। ब्रजभूषण को जमानत मिल गई है, राहुल के मामले में 21 को सुनवाई होनी है। ब्रजभूषण के मामले पे अगर मैं आऊं तो दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट में आईपीसी की धारा 354, 354 ए और 354 डी लगाई है। ये आपराधिक धाराएं किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, यौन उत्पीड़न करने और पीछा करने के मामलों में लगाई जाती हैं। ब्रजभूषण सिंह के ऊपर ये धाराएं लगने के बाद भी उनकी तेवर कम नहीं हुए। उनके सहायक सचिव विनोद तोमर भी इसमें फंसे हुए हैं। उनके ऊपर भी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अलावा आईपीसी की धारा 109 और 506 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ये धमकी देने का आरोप भी उनके ऊपर है। चार्जशीट में ब्रजभूषण सिंह और उनके सचिव विनोद तोमर दोनों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध का आरोप है। दोनों पर धारा 354 और 354 के तहत केस चलेगा। कार्यक्रम में हम यह समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर ब्रजभूषण के साथ होगा क्या, जो धाराएं हैं क्या उनमें कोई फर्क पड़ेगा उससे। जैसे धारा 354 के तहत कम से कम एक वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष के कारावास, जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। इस धारा के तहत पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही ये गैर जमानती धारा भी है, जिसका मतलब ये होता है कि जमानत आरोपी का अधिकार नहीं होगा। न्यायाधीश के विवेक पर यह निर्भर करेगा कि वो जमानत देते हैं या नहीं देते हैं। वहीं ये कहीं भी परिभाषित नहीं होता है कि महिला के शील का अपमान क्या है, इसमें यह परिभाषित किया गया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने 2007 में रामकृपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में एक बताया था कि किन घटनाओं को महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना जाना चाहिए। अदालत ने यह कहा था कि किसी महिला को धक्का देना, उसकी साड़ी हटाने या यौन संबंध के लिए रिक्वेस्ट करने में इस धारा के तहत आने के लिए ये मामले पर्याप्त हैं। धारा 354 जो है वो उसमें कानून क्या कहता है ये भी मैं आपको बता दूं। सिंह और तोमर पर आईपीसी की धारा 54 ए के तहत पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप लगा है, जिसमें शारीरिक संपर्क और गलत तरह से छूना शामिल है और यौन संबंधों के लिए रिक्वेस्ट करना या यौन संबंधों की मांग करना या किसी महिला की इच्छा के खिलाफ अश्लील साहित्य उसको दिखाना या भद्दी टिप्पणियां करना भी इसमें शामिल है। 2013 में धारा में ये कहते हुए संशोधन किया गया था, जब दामिनी वाला मामला हुआ था, कि जो कोई भी अनवांटेड फिजिकल कॉन्टैक्ट, यौन संबंधों की मांग या अनुरोध या उसे अश्लील साहित्य दिखाकर या किसी महिला का यौन उत्पीड़न करता है, उसे 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यह भी न्यायाधीश के विवेक पर डिपेंड है। महिलाओं के खिलाफ यौन टिप्पणियां करने वालों पर इस धारा के तहत 1 साल तक की कैद है, जुर्माना या दोनों है। धारा 354 ए के तहत अपराध संज्ञेय है लेकिन जमानती है। इसमें इसके अलावा सिंह पर आईपीसी की धारा 354 डी भी है, इसमें पीछा करने के अलावा यह भी आरोप है। जबकि तोमर पर धारा 506 और 109 के तहत आपराधिक धमकी और अपराध के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। तो ब्रजभूषण को हाल में भले ही राहत मिलती दिख रही हो, लेकिन ये राहत बहुत लंबी रहने वाली नहीं है अगर न्यायाधीश चाहते हैं तो। लेकिन सवाल यह है कि जब राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, तो क्या भूषण को भी सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ेगा? और अगर वो आते हैं तो क्या सीजीआई के पास ये मामला पहुंचेगा? क्योंकि अगर सीजीआई तक ये मामला पहुंचता है तो फिर से ये कहा जाएगा कि सीजीआई इस पर क्या निर्णय देंगे। क्योंकि इस तरह के लोग, ब्रजभूषण जैसे लोग, जो कानून को अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं, उनको ये सबक सिखाने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है कि कानून क्या होता है। अगर कानून
राहुल गांधी के लिए काम कर रहा है अपने तरीके से, तो फिर ब्रजभूषण के मामले में भी कानून काम करे। राहुल गांधी और ब्रजभूषण के मामले में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अगर आप इस पर किस तरह से रिएक्ट किया जा रहा है ये देखें, तो भी जमीन आसमान का फर्क है। कानून किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, इसमें भी आप जमीन आसमान का फर्क देख सकते हैं। इसी की मैं बात करना चाहता हूं, और यह बहुत जरूरी भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में कानून अपना काम पूरे निष्पक्षता से अगर करता है तो यह नजीर बनेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नशा।